उज्जैन के नागदा में कपड़ा व्यापारी दीपक सावन को किडनैप कर ले जा रहे अपहरणकर्ताओं और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की कार को घेर लिया। बचने के लिए बदमाशों ने पुलिस पर 6 राउंड फायर किए। बचाव में पुलिस ने भी 5 फायर किए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर व्यापारी को छुड़ा लिया है। हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना शनिवार शाम करीब 5 बजे नागदा खास रोड की है। मंडी थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि व्यापारी दिलीप पोरवाल के परिवार वालों ने थाने पर शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने बताया कि दीपक शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर गए थे। लौटते समय उन्हें कुछ बदमाशों ने घेर कर वैन में बिठा लिया। बदमाशों ने फोन पर 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। पकड़े गए 3 आरोपियों में नागदा का एक बदमाश गुलफाम शामिल है, जो कि नागदा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। ये नागदा थाने का घटनाक्रम है। एक व्यापारी जो मुल्तान का कपड़े का व्यवसाय है, उनको लगभग 10:30 बजे के आसपास कुछ एक इको गाड़ी में 3 लोग लेकर गए थे। पहले ये जानकारी नहीं आई, लेकिन जब उनके ही मोबाइल से उनके परिजनों के पास लगभग 1:30 बजे के आसपास 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जब बात आई, तब ये जानकारी में आया कि संभवतः उनका किडनैप हो गया है। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने कल ही उसमें जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्हें काम करना शुरू किया। और इसके अलावा जो वहाँ मौके पर पहुँच के जब जानकारी ली, तो एक इको स्पोर्ट गाड़ी के का संबंध में जानकारी आई, और फिर उसको हमने ट्रैक करना शुरू किया। और अभी लगभग 4:30 के आसपास की घटना, लगभग आधे घंटे पहले का घटनाक्रम है। इसमें हमने उस गाड़ी को, हमारी जो टीमें थे उन्हें इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट करके उनको जब चैलेंज किया तो उनकी तरफ से फायर शुरू हो गए। उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, जो अभी तक मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई है। 3 फायर उनकी तरफ से हुए। जवाई भी उसमें उनको चैलेंज करके पुलिस ने भी फायर किया, और हवाई फायर करके उनको चेतावनी दी सरेंडर करने की। और इस दौरान जो अपहरित हैं वो भी गाड़ी से निकल के आए, जिनको हमने सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ चोटें जरूर हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शेष इनकी घेराबंदी के लिए इन लोगों ने भागना शुरू किया, तो पुलिस ने इनको, दोनों टीमों ने इसको घेराबंदी की है, और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है।